बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो उन वालदैन के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं और वो पैम्पर्स का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, पैम्पर का इस्तेमाल हमारे यहाँ ऐसा आम हो चुका है कि सोडा सल्फ के साथ साथ पैम्पर का आना भी ज़रूरी है। घर में जितनी तंगदस्ती हो, लेकिन पैम्पर भी ज़रूरी है। इस वीडियो में पहले मैं आपसे इस बात का जिक्र करूंगी कि ये कैसे बनता है और कैसे ये बच्चों के लिए नुकसानदेह है। फिर इसके बाद इस्तेमाल के बारे में बात करूंगी कि अगर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है तो कैसे इस्तेमाल करना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा, और फिर ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपकी हमेशा हमेशा के लिए पैम्पर से जान छूट जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें आपका बहुत फ़ायदा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपना ये चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। पहले बात कर लेते हैं कि ये कैसे नुकसानदेह है। पैम्पर्स को बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जिसे थेट्स कहते हैं, जो कैंसर और ज़्यादतीस की वजह बनता है। ये जिस मुल्क ने इजाद किया था, यानी अमेरिका ने, उसी मुल्क में उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें EHV भी इस्तेमाल होता है। ये केमिकल स्किन के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में पैम्पर में EHP इस्तेमाल नहीं किया जाता। पैम्पर में बच्चों में पेशाब के अज़ाब ऐसे केमिकल उनके पेट के अंदर चले जाते हैं जो सारी उम्र के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ी बीमारी और महरूमी, जिसे बांझपन कहते हैं, वो भी लग सकती है। इसके अलावा हर वक्त पेट में दर्द होना, ये भी बच्चों का आम मसला बन सकता है। इसलिए अगर पैम्पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है तो अच्छी कंपनी के लें, लोकल पैम्पर इस्तेमाल ना करें। इसमें आपका खर्चा ज़्यादा तो होगा, लेकिन हमेशा के लिए नुकसान से बच सकते हैं। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। पैम्पर उस वक्त ज़्यादा नुकसानदेह होता है जब इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए। अक्सर मेरी बहनें जब पैम्पर फुल होकर ओवरफ्लो हो जाता है तब उतारती हैं और समझती हैं कि अब उतारना चाहिए, या रात को अगर बच्चा पखाना कर देता है तो वो कहती हैं कि अब क्या धोया जाए, सुबह ही देखेंगे। तो नहायत माजरत के साथ, ये तरीका बहुत नुकसानदेह है, बल्कि अपने बच्चों पर बहुत बड़ा जुल्म है। सही तरीका ये है कि अगर फ्रेश पैम्पर बच्चों को लगा दें तो एक दो मिनट के बाद अगर वो पखाना कर देते हैं तो फौरन तब्दील कर दें। इससे आपको गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन क्या करें, इसी में बच्चे की बेहतरी है। अगर पखाना ना भी करें तो दो घंटे के बाद तो ज़रूर ही तब्दील कर दें, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि यूरिन एक एसिड होता है, और एसिड अगर स्किन के साथ बंधा रहेगा तो ना सिर्फ स्किन के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये पेशाब के अज़ा के ज़रिए बच्चों के अंदर भी जाता है, जो बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है। इसलिए पैम्पर का ओवरफ्लो होने का इंतज़ार ना करें, यानी अपने पैसे पूरे होने का इंतज़ार ना करें, और दो घंटों के बाद चेंज कर दें। इससे पैम्पर ज़्यादा तो लगेंगे, लेकिन बच्चों की सेहत का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब मैं अपनी बहनों को ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जो मैंने खुद भी आजमाई है। इससे आपके बच्चे बीच में पेशाब नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने पैसे और बच्चों की सेहत बचानी है, ये कोशिश आपको दो हफ्ते लगातार करनी होगी। मेरी बहनों, अगर आप हर घंटे के बाद बच्चों को बाथरूम लेकर जाएं और उसे पेशाब करा दें, बेशक अगर वो चंद महीनों का भी हो तो भी उसे बाहर पेशाब कराने की आदत डालें, और इसके बाद अगर उसे पेशाब आएगा भी तो वो बीच में पेशाब करने में झिझक महसूस करेगा और इंतज़ार करेगा कि कोई उसको बाहर पेशाब करा दे, क्योंकि इसकी आदत बन चुकी होगी। इसके लिए करना यही है कि पहले अपनी आदत बना लें कि हर घंटे के बाद उसे पार्ट में लेकर जाना है या बाथरूम में लेकर जाना है। इसी तरह रात को भी कोई बाल्टी वगैरह अपनी चटपाई के पास या बेड के पास रख लें, अगर सर्दियां हैं तो, ताकि बच्चे को बाहर लेकर जाने में ठंड ना लग जाए। पहले सोने से पहले पेशाब करा लें, फिर हर दो घंटे के बाद जाकर पेशाब कराएं। पहले तो बच्चा कुछ अड़ी करेगा,
क्योंकि उसकी आदत तब्दील हो रही होगी। फिर कुछ दिन बाद वो इस आदत पर पक्का हो जाएगा। अगर आपको जाग नहीं हो रही तो अलार्म लगा दें, लेकिन अलार्म इतना ऊंचा ना हो कि बच्चा या कमरे के दूसरे अफराद जाग जाए। मेरी बहनों, अगर कुछ दिन आपने ये कोशिश की तो यकीन जाने ना सिर्फ आपका खर्चा बचेगा बल्कि बच्चे की सेहत भी बच जाएगी। अगर आप छोटे चंद महीने के बच्चे की आदत तब्दील नहीं करेंगी तो हो सकता है कि लंबे अरसे तक आप पैंपर से जान ना छुड़ा सकें। तो ये थी आज की वीडियो, जो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। हमेशा खुश और सेहतमंद रहें, अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।